को हटाने की जो साजिश है वो उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नहीं बल्कि कुछ कांग्रेसी नेता ही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे दें, ये मोहन सिंह जी ने कहा। अब कम से कम 10 जनपद तो ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहन सिंह इस तरह का बयान देंगे। बढ़ी महंगाई साहब, अब तो रोटी दाल भी मुहाल हो गया है। लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं, उल्टा वो तो इस बात से खुश है कि चलो भैया देश में कुछ तो बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति का मिजाज कुछ ऐसा है कि जनता चाहे जो भी कहे, नेता हमेशा अपनी पार्टी लाइन की ही बात करते हैं। तो बेनी बाबू का कहना सरकार के नजरिए से बहुत गलत भी नहीं था। खैर, यहां तक की बात सही है, लेकिन जब केंद्र की सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी महंगाई के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे तो सियासी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सुना आपने, ये उसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके मुखिया दिल्ली दरबार में कांग्रेस सुप्रीमो के साथ गलबहियां करते फिरते हैं, यानी दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब देखिए ना, हम महंगाई में ही उलझे थे कि उसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने कांग्रेस पर एक और वार कर दिया। स्कैंडल जरूर चल रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर एक तरह से खामोश है। केवल सोनिया जी ललकारती हैं कि कांग्रेसियों को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस संगठन तो खड़ा नहीं हो रहा, सरकार ही प्रधानमंत्री की ओर से बोल। कुछ अंदरूनी राजनीति हो सकता है, मुझे शंका हो रही है। किस तरह की शंका हो रही है? कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति मनमोहन सिंह को हटाकर किसी और को बनाए। दरअसल दोनों ही मामलों में एजेंडा अलग अलग था, लेकिन सुर एक से, तो इसके सियासी मायने तो ढूंढे ही जाएंगे, क्योंकि इस सियासी रिश्ते की कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ और भी मामले हैं जो इस सियासी कयास को बल दे रहे हैं, बताएंगे आप। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वसीम अहमद साहब हैं, लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी जुड़ेंगे, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, कुछ देर बाद जुड़ेंगे। वसीम भाई, आपके पास आना चाहूंगा जी। क्या नाराजगी है? मन मन भावे मूड़ी हिलावे, कहते हैं बिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। मुलायम सिंह जी को बुलाया जाता है, वो डिनर डिप्लोमेसी में वो 100 में 100 नंबर वाला कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसी राज्य में बात आती है, आपकी पार्टी के नए अध्यक्ष प्रदेश के बनाए जाते हैं और पीछे से कान में जो मंत्र फूंकने लगते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये क्या है, ये खेल क्या है? देखिए, ऐसा है, ये राजनीति है और राजनीति में हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपनी जगह मजबूत नजर आए। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह जी बहुत सी चीजें बदलते रहते हैं। अच्छा। वक्त वक्त को अच्छा। देखते हुए आप लोगों को बताए बिना नहीं, आप लोगों को भरोसे में लिए बिना, देखिए भरोसे, और आप लोगों को उन्हीं के समर्थन की जरूरत रहती है? नहीं, भरोसे की बात नहीं है, अगर उन्होंने समर्थन दिया या हमने लिया तो उनका समर्थन देना भी एक जरूरी रहा होगा और समर्थन हमारा लेना भी कुछ न कुछ जरूरी। जो हमारे पास खबर है वो खबर है कि साहब आपने समर्थन, उन्होंने समर्थन दिया या आपने लिया तो आपने उनको तकरीबन 1,00,000 करोड़ के आसपास का पैकेज दिया 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। देखिए, जहां तक स्टेट के डेवलपमेंट का सवाल है,
ये सेंटर का फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी डिमांड है स्टेट की उसको वो देख के स्टडी करके। अरे तो भाई समर्थन लिए बिना भी तो ये डिमांड पूरी हो सकती है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, ये बीजेपी, ये बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर भी लागू होता है फंडा। बिल्कुल, तो मुझे बताइए कौन सा बीजेपी शासित स्टेट ऐसा है जहां पर सेंटर ने उनकी मदद भरपूर तरीके से। मैं मोदी जी का नाम लूंगा तो फिर मिर्चा लग जाएगा। नरेंद्र मोदी जी तो एक के बाद एक जहर उगलते हैं केंद्र सरकार के ऊपर, की सरकार सौतेला व्यवहार करती है तब भी हमारे 6 करोड़ गुजराती जो है विकास की पटरी पर सरपट भागे जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मामले में और गुजरात के मामले में दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो भाई मैं सवाल तो यही कर रहा हूं ना कि मुलायम सिंह जी दिल्ली में तो गलवैया करते नजर आते हैं और लखनऊ में तो लगता है कि एक दूसरे को जो है वो तलवार ही मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो चीजें बड़ा चढ़ वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं क्या? ये नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से कह दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, और कुछ कहना चाहता हूं मैं बड़ा साफ तरीके से ये कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति 90 से यूपी की राजनीति के कंटिन्यूस और ग्रामर बदली हुई है, और हर पार्टी ये चाहती है, हमने भी कोशिश की पिछले इलेक्शन में कि हम एक अल्टरनेट बन के आए, नहीं बन पाए, और पिछली दफा लोगों ने मायावती जी के फेलियर को मुलायम सिंह की शक्ल में लोग लेके आए, और खुद इतनी सीटें की उम्मीद खुद मुलायम सिंह जी या उनके पार्टी को नहीं थी, वो 225 सीटें लेके आ गए। ठीक है, अब जाहिर है कि जब वो 225 सीटें लेके आए हैं तो वो अपने अपने तरीके से, अब मगर आने के बाद उनसे जो प्रदेश की जनता उम्मीद करती थी वो उस तरीके से खड़े नहीं उतर पा रहे। प्रदेश के लाइन ऑर्डर को ले लीजिए, प्रदेश के अंदर ठीक है जो चीजें हैं, वसीम भाई इन तमाम बातों पर आपके पास आएंगे, अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि राहुल गांधी जी से लेकर छोट भैया कांग्रेसी नेता तक गुंडे और लुटेरों इन दो शब्दों का इस्तेमाल करता था। लुटेरे शब्द का इस्तेमाल होता था, भ्रष्टाचारी शब्द का इस्तेमाल होता था बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो उस वक्त सत्ता में थी, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के लिए गुंडे शब्द का इस्तेमाल होता था। कांग्रेसियों ने दिल खोल के बुक्का फाड़ के इन शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर आप उन्हीं गुंडों के साथ गलवहियां कर रहे हो। एक ये बड़ा सवाल है, केंद्र में आप सरकार बचाने के लिए मुलायम सिंह जी को अपना सबसे विश्वस्त सहयोगी कहते हो, प्रदेश में आके उसी मुलायम सिंह जी की पार्टी के खिलाफ जो है आप तियां पांचा करते हो, ये आखिरकार ये किस तरह की राजनीति का खेल है? आप जनता को क्या मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है? और मोहन सिंह जी का इतना बड़ा बयान आ गया, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा। देखिए मैं मानता हूं कि जो देश में तीसरी धारा के लोग हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, नीतीश भी हैं, हाँ। ये लोग, इनका डीएनए कांग्रेस के साथ मैच नहीं करता, हाँ। ये कई बार अननेचुरल ढंग से डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फौरी तौर पर, डॉक्टर्ड करके, हाँ, डॉक्टर्ड करके, हाँ। तो उसमें कुछ न्यूट्रल और वो जोड़ के तार, हाँ। कुछ बिजली पैदा करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इनकी राजनीति चल ही नहीं सकती। इस देश की तीसरी धारा जो लोहिया के नाम का ताबीज गले में बांधेगी, जयप्रकाश के नाम का ताबीज गले में बांधेगी, वो अब आज मैं एक बड़ा रोचक बात बताऊं, रविदास जी भी बैठे हैं और वसीम भाई भी बैठे हैं, मुलायम सिंह जी कहां से ताकत हासिल करेंगे, क्या कदम उठाएं? वे दौलत रसाप ने उनके फाटा तंग, आज मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ने एक फैसला किया, आज कैबिनेट में तमाम फैसले, एक फैसले को उल्लेख करूंगा, हाँ। मीसा और डीआईआर में, हालांकि तब वसीम भाई दूसरे उसमें थे, हाँ। तब ये जेल जाने वालों की पार्टी में थे, अब जेल भेजने वालों की पार्टी में तो मीसा और डीआईआर में जो लोग 19 महीने बंद रहे उनको आज अखिलेश की सरकार ने कहा 3,000 रुपए महीना देंगे, निशुल्क इलाज देंगे और फ्री प्रदेश भर में चलो घूमो, सरकार कोई टिकट नहीं लेगी आपसे। अब ये फैसला कांग्रेस के साथ खड़े होकर नहीं हो सकता ना, और कांग्रेस ने इनको 6 महीना दिया था प्रोबेशन पीरियड अखिलेश की सरकार को, वो 6 महीना पूरा हो और वसीम भाई की पार्टी बाहर झंडा डंडा लेके तंबू गाड़े उत्तर प्रदेश में, उससे पहले मुलायम सिंह जी आक्रामक हो गए। कल समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली कहा कि महंगाई रोकने में ही असफल नहीं है कांग्रेस, ये महंगाई बढ़ाने का कारण है खुद में कांग्रेस और इसकी सरकार, उन्होंने पहले लाइन खींच दी, हाँ। ये सो के जागते
क्योंकि अभी तक तो ये भी टेस्टिमोनियल बांट रहे थे, कह रहे थे प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और अभी तो देखिए बहुत जल्दी कुछ कहना। राइट फ्रॉम दिग्विजय सिंह टू वसीम अहमद हर आदमी कह रहा था कि नहीं अभी तो ठीक चल रही। तो अब आप किस मुंह से कहोगे? मुलायम सिंह पुराने खिलाड़ी हैं, कुश्ती के माहिर हैं, वो धोबी पाट जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये आए हैं गंगा जल तुलसी दल हाथ में लेके और मंत्र पढ़े उससे पहले कांग्रेस के खिलाफ खड़े हों। और 2014 का चुनाव ना अतुल जी, उसमें कांग्रेस पर अगर मुलायम सिंह आक्रामक नहीं होंगे तो वो जो एंटी कांग्रेस फीलिंग है देश भर में और वो जो प्रदेश में है उसको दूसरी पार्टी कैश कर लेगी। बीएसपी खत्म नहीं हुई, रविदास मेहरोत्रा समझेंगे इस बात को, सिर्फ 3% वोट का फासला है, जरा से स्विंग में पलट जाएगी सरकार। ये खतरा मुलायम सिंह जी जैसे सीजन लोग समझ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ गांठ नहीं जोड़ सकते वो, अंधेरे में लुका छुपी में मिलना कर सकते हैं, लेकिन कहो एक दूसरे की मांग में सिंदूर भर ले एक दूसरे के नाम का जी, ऐसा काम करके पार्टी खत्म हो जाएगी। रविदास मेहरोत्रा जी, तो क्या हम ये माने अब यहां पर कि जो गलवहियां दिल्ली में दिखाई पड़ती थीं और जो लखनऊ में नहीं दिख रही थीं, अब वो रार वाली जो बात है, जो तकरार वाली बात है, वो दिल्ली दरबार में भी दिखेगी? क्योंकि 2014 में चुनाव दिल्ली दरबार के लिए होना है खासतौर पर। देखिए गलबहियों की कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मुद्दों के ऊपर समर्थन करती रही है। और रात में और जो डिनर डिप्लोमेसी हुई थी, रात में जो कांग्रेस, रात में जो यूपीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर माननीय मुलायम सिंह जी यादव गए और जो मुस्कुराते हुए हाथ हिला के कहा कि नहीं 100 में 100, वो किस लिए? नहीं देखिए उसमें कौन सा मुद्दा? ये बात देखिए, मुलायम सिंह जी ने भी स्पष्ट ये किया है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोके और महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार असफल है। रविदास जी, रविदास जी पूरी विनम्रता से पूरी माफी मांग के आपको रोक रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। और राजेंद्र चौधरी जी की जो बात होती है वो पार्टी की आधिकारिक राय मानी जाती है। राजेंद्र चौधरी जी बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। वो भी पार्टी के आधिकारिक एमएलए हैं जी, स्वागत है आपका राजेंद्र चौधरी जी। धन्यवाद जी। मैं आपसे चौधरी जी जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आज मोहन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर नाराजगी जताई है, हमला बोला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लेके बोला है कि कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे बहुत से नेता हो सकते हैं जो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। नहीं तो वो तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा है ना। हाँ तो क्या आपको क्या एतराज है? नहीं एतराज मुझे एतराज नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि मोहन सिंह जी शायद समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है और डॉक्टर रामगोपाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ये बात कह चुके हैं कि सिर्फ 4 लोग हैं जो जिनकी राय समाजवादी पार्टी की अधिकृत राय है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मान्यवर। नहीं देखिए मैंने मोहन सिंह जी का बयान नहीं देखा। अच्छा मैं आपको दोबारा दिखवा देता हूं, मोहन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं सुनवा देता हूं चौधरी जी 10 सेकंड, चौधरी जी 5 सेकंड, वो बयान मैं सुनवा रहा हूं। मोहन सिंह जी का बयान मैंने पहले से कटवा के रखा था, मुझे पता था कि आप वो सुनना चाहेंगे जी। सुनाइए मेरे सहयोगी संदीप गुप्ता से गुजारिश कि वो बयान सुनवाया जाए। कांग्रेस के अंदर जरूर चल रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर एक तरह से खामोश है। केवल सोनिया जी ललकारती है कि कांग्रेसियों को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस संगठन तो खड़ा नहीं हो रहा, सरकार ही प्रधानमंत्री की ओर से बोल रही। कुछ अंदरूनी राजनीति हो सकता है, मुझे शंका हो रही। किस तरह की शंका हो रही है? कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति मनमोहन सिंह को हटाकर किसी और को बना। तो चौधरी जी ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है या मनमोहन सिंह जी की या मोहन सिंह जी की निजी राय? नहीं क्या बयान उनका, कहां ये बयान क्या है उनका बयान? उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी में उनका, उन्होंने कहा अपना अंदाजा बताया है। अच्छा ये कौन बयान दिया आप ऐसी बात कर रहे हैं? कौन सा बयान है ये? उन्होंने कहा तो कांग्रेस, आप तो गजब बात करते हैं, आप तो दूध में मक्खी पड़ी हुई और कह रहे हैं मक्खी नहीं है दूध पी जाओ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बयान दिखा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कौन सा बयान है? अगर मुख्य प्रवक्ता को, अगर मुख्य प्रवक्ता को अपनी पार्टी के कितने बड़े नेता का बयान समझ में नहीं आता तो ये मीडिया की दिक्कत नहीं है? देखिए ये आचरण हो रहा है अमिताभ जी, पता नहीं किस बात का अहंकार है राजेंद्र चौधरी जी को। सामने हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखियों को फारसी क्या, पता नहीं किस बात का इतना अहंकार और घमंड है। सामने बयान दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं किस बात का बयान है, लग गया तो मीडिया के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये रोज की आदत हो गई इनकी। चलिए हम लोग रविदास जी से पूछते हैं, रविदास जी मुस्कुरा रहे हैं। रविदास जी चौधरी जी को गुस्सा क्यों आता है भाई?
देखिए ऐसा है, जो आप बात पूछ रहे थे उसे बताना हमको ये है कि हम लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन मुद्दों पर करते हैं। अरे मैं मेरा सवाल सिर्फ ये है माननीय रविदास जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सत्ता के अहंकार में क्या हर किसी को लठिया दिया जाएगा?